हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा है हमारा, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर स्टडी कर रहे थे पहला चैप्टर, और इसमें हम टेंपल आर्किटेक्चर हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियोस में, जहां पे हमने टेंपल आर्किटेक्चर का जो बेसिक था उसे समझा था। डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, वेसरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, नॉर्दर्न स्टाइल में नगरा स्टाइल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेंपल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बदलाव कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में देखेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साउदर्न इंडिया और डेक्कन इंडिया में इवोल्यूशन। इसमें देखेंगे आपका नॉर्थ इंडिया में। तो अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न देखेंगे, पोस्ट मॉडर्न में क्या डेवलपमेंट हुआ, कि उसका डेवलपमेंट फेज क्या था टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। उसके बाद अर्ली गुप्ता पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर लेटर गुप्ता में क्या डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर दैट पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडिवियल एंड देन लेट मिडिवियल। अब अगर पोस्ट मॉडर्न एज की बात करें तो यहाँ पे अभी कोई इसका टेम्पल मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रूइंस थे, जो अवशेष बचे हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वेयर मेड बनाए गए थे इसका सबूत है, लेकिन अभी सिर्फ उसके जो रूइंस हैं, जो अवशेष हैं, वही बचे हुए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर दो मंदिर का जिक्र है, एक बैरात राजस्थान में और एक जंदियल तक्षशिला में। अगर बैरात राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपका विराटनगर में है। ये ओरिजिनली एक बुद्धिस्ट स्तूपा के रूप में था, और इसको बनाया गया था ब्रिक से, बनाया गया था और वुड का इस्तेमाल करके। और इस प्लेस को किसने ढूंढा था, तो याद रखिएगा अल बसम ने, किसने, अल बसम ने ढूंढा था। कहाँ, बैरात राजस्थान, विराटनगर में है। पहले बुद्धिस्ट स्तूपा था ओरिजिनली, ब्रिक और वुड का यूज किया गया, और इसको ढूंढा किसने, अल बसम ने, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है पोस्ट मॉडर्न एज में, यह जंदियाल दैट इज तक्षशिला में है। यह जो मंदिर है, एक्चुअली यह स्ट्रक्चर एक्सकेवेट किया गया था 1912-13 में। कब किया गया था, 1912-13 में। और यह माना जाता है कि यह जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये किस फेथ का है, किस रिलीजन का है, तो जोरास्ट्रियन फेथ का है। याद रखिएगा जो जंदियाल तक्षशिला में मंदिर है पोस्ट मॉडर्न फेज का, ये जोरास्ट्रियन फेथ का है, ठीक है। आगे बढ़े पोस्ट मॉडर्न के बाद, तो इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, ये शुरुआती फेज था, मंदिर यहाँ पे बहुत मौजूद नहीं है। यही एक दो एग्जांपल्स हैं जिसके भी टूटा फूटा अवशेष मिला हुआ है, तो जानकारी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न के बाद, आगे बढ़े अर्ली गुप्ता पीरियड। अर्ली गुप्ता पीरियड की बात करें तो 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक अर्ली गुप्ता फेज रहा है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो 5 फेज में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर बना है वो स्मॉल स्ट्रक्चर बनाया गया, स्मॉल मंदिर से बनाया गया, जिसमें सिर्फ गर्भगिरी, मंडप थे, और इसको सपोर्ट करने के लिए बाहर से पिलर्स थे। तो गर्भगिरी जहाँ पे देवता विराजमान होंगे, भगवान विराजमान होंगे, और एक मंडप होगा, असेंबली हॉल होगा जो भक्त आएंगे उनके लिए, और उस पर एक सपोर्ट के लिए आपको पिलर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि स्मॉल मॉडेस्ट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेम्पल्स, छोटे टेम्पल्स होंगे विथ गर्भगिरी जहाँ पे देवता का आपका मुख्य स्थान होगा वो होगा, मंडप होगा, असेंबली हॉल फॉर डिवोटीज, भक्त के लिए जो असेंबली हॉल होगा वो, और इसको सपोर्ट करने के लिए पिलर्स, ठीक है। अगर हम अर्ली गुप्ता फेज में देखें जो इनका स्टेज हुआ, तो 5 स्टेज में डेवलपमेंट होता है। पहला स्टेज में जो मंदिर था ना, उसका जो रूफ था, ऊपर वाला पोर्शन, वो फ्लैट था, कोई कर्व या पिरामिडल शेप का नहीं था जो हम आज देखते हैं, सिंपल एक फ्लैट रूफ था। और उसका प्लान कैसे था, तो सिंपल स्क्वायर टेम्पल्स थे, एक स्क्वायर बना दिया इसमें, ठीक है, स्क्वायर टेम्पल्स था। जो पिलर्स थे वो छोटे साइज के थे, सैलो पिलर्स थे, और प्लेटफॉर्म भी लो था, मतलब कम हाइट में कम प्लेटफॉर्म दिया गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म से हाइट कम था। एग्जाम्पल के तौर पर सांची में एक टेम्पल 17 नंबर है, जो सांची में, वो आपका हो गया पहला स्टेज का आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं अर्ली गुप्ता फेज में। फिर कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा, इसका जो प्लेटफॉर्म था उसको थोड़ा और ऊपर कर दिया, रेज कर दिया, जो मंदिर का प्लेटफॉर्म होता है उसे ऊपर कर दिया। और यहाँ पर 2 मंजिला मंदिर भी देखने को मिला, 2 स्टोरीज टेम्पल ऑल्सो फाउंड, ठीक है। फिर प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका पार्वती टेम्पल है या नौचना कुठोरा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं तीसरे स्टेज पे। यहाँ पे जो शिखर थे ना, शिखर था वो कर्व होना स्टार्ट हो गया, इमर्जेंस ऑफ कर्वीलिनियर शिखर आ चुका था, ठीक है। और यहाँ से पंचयटन स्टाइल भी इंट्रोड्यूस हो गया। पंचयटन याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में देखा था, एक आपका मेन डिटीज का श्राइन होगा, मंदिर होगा, इसके चारों तरफ 4 और छोटे मंदिर होंगे,
श्राइन्स होंगे, ये हो गया पंच एटन स्टाइल। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? अर्ली गुप्ता फेज में इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो उसके तीसरे स्टेज में। ठीक है, जो मंडप थे, जो आपका असेंबली हॉल था डिवोटीज का, वो थोड़ा सा और इलांगेट हो चुका था, बड़ा हो चुका था, और जो उसका प्लान था वो अब स्क्वायर से क्रूसी फॉर्म में, क्रूसीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। क्रूसीफाइड फॉर्म क्या होता है, ये हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 अवतारा टेम्पल, ठीक है, देवघर उत्तर प्रदेश में है, ये तीसरे स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे बढ़े फोर्थ स्टेज में, तो यहाँ पे जो मेन श्राइन थे बिकम मोर रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर हो गया, जो बाबा गर्भगिरी हो गया वो रेक्टेंगुलर होने लगा। और एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में 13 टेम्पल है, वो हो गया। फिर फिफ्थ स्टेज में पहुँचते हैं, यहाँ पे सर्कुलर टेम्पल बनने लगा विथ सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के राजगीर में जो मन्यार मठ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ स्टेज ऑफ अर्ली गुप्ता फेज। क्लियर, तो ये थी कहानी आपको अर्ली गुप्ता फेज की। तो पोस्ट मॉडर्न में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला, रूइंस बचे हुए हैं। फिर अर्ली गुप्ता में 5 स्टेज का डेवलपमेंट देखने को मिला। फिर लेटर गुप्ता में देखते हैं क्या हुआ। तो लेटर गुप्ता फेज में ना 550 ईस्वी के बाद से यहाँ पे जो नगरा स्टाइल था इमर्ज कर्वीलिनियर, वो पूरी तरह से रेखा शिखर बन चुका था। रेखा शिखर हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, जो कर्वीलिनियर होगा, जो गर्भगिरी के ऊपर वाला पोर्शन होगा, टावर होगा, जो कर्वीलिनियर शेप का होगा, उसे कहेंगे रेखा शिखर। वो इमर्ज हो चुका था, प्लान कुर्सी फॉर्म हो चुका था, और पंचयटन स्टाइल भी आ चुका था। एग्जाम्पल के तौर पर देवघर टेम्पल उत्तर प्रदेश, भीतर गांव उत्तर प्रदेश में ही। ठीक, और यहाँ पर अष्ट दिक्पालास, मतलब डिटीज ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के देवता, अष्ट दिक्पालास देखने को मिला। मतलब इट फेसेस द 8 की डायरेक्शन, जो 8 महत्वपूर्ण दिशा है उनके तरफ इनका मुख किया गया। ऑन द आउटर वॉल ऑफ सैंक्टम और आउटर वॉल ऑफ टेम्पल, टेम्पल के जो बाहरी दीवालों दीवार पे, या गर्भगृह के जो बाहरी दीवार थे उनके दीवारों पे क्या किया गया, 8 जो प्रमुख आपके डायरेक्शन है उनके तरफ इसको शेप को कनेक्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया अष्ट दिक्पालास। उन मंदिरों को नाम दिया गया अष्ट दिक्पालास, दैट इज डिटीज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इस शिखर के शेप पर डिपेंड करता है, 3 सब डिवीजन हुए नगरा टेम्पल्स में। तो नगरा टेम्पल्स में लेटर गुप्ता में 3 सब टेम्पल्स हुए, सब डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन किसके आधार पे हुआ, तो शिखर का शेप क्या होगा उस आधार पे एक हुआ डिवीजन हुआ। तो एक हुआ रेखा प्रसाद डिवीजन, या इसी को लैटिना भी कहा गया, रेखा प्रसाद या लैटिना कहा गया। ये बहुत ही कॉमन, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं रेखा प्रसाद, ये बहुत ही कॉमन और सिंपल टाइप था। बेस पे आपको स्क्वायर दिखेगा, बेस दिखेगा स्क्वायर। ठीक है, जो वाल होगा, दीवार होगा आपका, जो शिखर का आपका, ये आपका बेस स्क्वायर हो गया, शिखर के बारे में है। ठीक है, और जो उसका वाल होगा कर्व होगा, एंड स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप, टॉप पे जाके इनवर्ड होते होते जाके सब क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेखा प्रसाद या लैटिना कहा गया इसको। फिर एक फमसाना स्टाइल, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो बिल्डिंग टेंड्स टू ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लैटिना, तो उसका जो शेप होगा ना वो ब्रॉडर होगा, नीचे जो बेस होगा वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, इसका विथ बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट कहीं ना कहीं इसका छोटा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, रेखा प्रसाद के कंपेरिजन में। ठीक है, रूफ कंपोज ऑन सेवरल स्लैब, जो रूफ पे क्या होगा, अलग अलग बहुत सारे स्लैब होंगे, दैट जेंटली राइज, जो धीरे धीरे राइज करेगा टू एक सिंगल पॉइंट, ऊपर में जाके सिंगल पॉइंट में मिल जाएगा सेंट्रल बिल्डिंग पे, और एंड स्लोप अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन, और एक स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। यहाँ पे आपका कर्वीलिनियर था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट देखने को मिलेगा फमसाना में, और ऊपर जाके ये भी मिलेगा। ठीक है, जो तीसरा आपको देखने को मिलेगा वो देखा बल्लवी, बल्लवी स्टाइल। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाए गए आर रेक्टेंगुलर विथ रूफ दैट राइज इनटू वॉल्टेड चैम्बर, एक वॉल्टेड चैम्बर की तरफ बन जाएगा यहाँ पे, आप देख सकता है। ठीक है, मतलब अंदर में क्या होगा, एक वॉल टाइप से बना होगा। ठीक है, वो राइज होगा, और जो एज होगा वॉल्टेड चैम्बर का इज राउंडेड, ये आपका राउंडेड होगा, लाइक अ बम्बू और वुडन वैगन, जैसे बम्बू होता है या वुडन लकड़ी का वैगन होता है उसकी तरह दिखेगा। और दैट वुड हैव बीन ड्रॉन बाय बुलक्स, जो हो सकता है कि बुलक्स द्वारा लाया गया होगा, जिसलिए इसलिए इसको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल नाम याद रखिएगा, शिखर के शेप पे लेटर गुप्ता एज में 3 भाग में बटा, सब डिविजन हुआ नगरा टेम्पल्स का, एक रेखा प्रसाद, एक फमसाना और एक वल्लभी। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं देवघर टेम्पल, जो लेटर गुप्ता एज में देवघर टेम्पल, ये बना कब था, पहला सवाल, ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बना कब था, तो 6th सेंचुरी में बना था। ये किससे बिलोंग करता है, तो लेट
गुप्ता पीरियड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, हम लेटर गुप्ता ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है, तो रिवर बेतवा नदी के किनारे है ये। किस साइड फेसिंग है, तो वेस्ट फेसिंग है देवघर टेम्पल। इनके पास क्या है, इस मंदिर में क्या है, ग्रैंड डोरवे है विथ स्कल्पचर ऑफ फीमेल फिगर्स। जो डोरवे जो रास्ता है वहाँ पे एक फीमेल फिगर्स का स्कल्पचर बना हुआ है, आपका गंगा ऑन लेफ्ट साइड एंड यमुना ऑन राइट साइड। तो राइट साइड में क्या यमुना का पिक्चर बना है, लेफ्ट साइड में क्या है, गंगा का पिक्चर बना है, ठीक है। फर्स्ट यूज ऑफ सेमी सर्कुलर डोरवे, पहली बार यूज किया गया सेमी सर्कुलर डोरवे यूज किया गया, ठीक है। फिर पंच यटन स्टाइल फॉलो किया गया, ये पता है ऑलरेडी पंच यटन स्टाइल क्या होता है। इट हैज टॉल एंड कर्वीलिनियर रेखा प्रसाद शिखर, यहाँ पे क्या होगा, टॉल होगा और जो जगह शिखर होगा कर्वीलिनियर रेखा प्रसाद शिखर है, रेखा प्रसाद आपका, ये आपका इस तरह का शिखर होगा, ठीक है। थ्री मेन रिलीफ ऑफ विष्णु ऑन टेम्पल्स, टेम्पल पे तीन मेन रिलीफ बनाए गए, स्कल्पचर बनाए गए विष्णु भगवान के। साउथ में बनाए गए शेष नारायणा, जो कि जिसमें दिखाया गया है कि विष्णु सोन रिक्लाइनिंग ऑन शेषनाग नेम्ड अनंत। तो शेषनाग जिसका नाम अनंत है उस पर रिक्लाइन करके ये है, रिक्लाइन किए हुए हैं भगवान विष्णु, ठीक है, साउथ में है। ईस्ट वॉल पे नर नारायण के रूप में का पिक्चर बनाया गया है और वेस्ट वॉल पे गजेंद्र मोक्ष के रूप में बनाया गया है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अचीविंग मोक्ष, मोक्ष प्राप्त की स्टोरी है, इसको दिखाया गया है गजेंद्र मोक्ष। ये आपका वेस्ट वॉल में, ईस्ट वॉल में नर नारायण और साउथ में शेष नारायण, तो साउथ ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। ये हो गया देवघर टेम्पल उत्तर प्रदेश की कहानी। आगे बढ़े, फिर एक और एग्जांपल है भीतर गांव कानपुर में। ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया आपका ब्रिक के साथ और टेराकोटा के साथ ड्यूरिंग फिफ्थ सेंचुरी सी, फिफ्थ सेंचुरी में ये बनाया गया। यहाँ जो सैंक्टम है, जो उसका गर्भगृह है, बियर्स रिजेम्बलेंस टू त्रिरथ, त्रिरथ का रिजेम्बलेंस है। त्रिरथ आपको याद होगा जो क्रूसी फॉर्म हम प्लान पढ़ रहे थे, ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये कुर्सी फॉर्म का सेफ हो गया आपका, ठीक है। हैज स्कल्प्टेड वॉल्स विथ सेकुलर एंड रिलीजियस थीम, और इसके वॉल पे ना स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो जिसका थीम क्या है, सेकुलर है और रिलीजियस थीम। भीतरगांव कानपुर। फिर एक सिरपुर टेम्पल है, ये है कहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा महासमंद छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे दोनों हिंदू हो या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट आपको दोनों मिलेगा। ये ईस्ट फेसिंग टेम्पल है जो लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। ये बनाया गया था वस्ता के द्वारा, जो कि मदर ऑफ महिष्व गुप्ता बाल अर्जुन, ठीक है, तो इसकी माता एक्चुअली मदर है, इनकी तरह बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट गुप्ता एज, तो ये थी कहानी लेटर गुप्ता एज की। अब देखते हैं पोस्ट गुप्ता एज में, तो यहाँ पे सेम नगरम स्टाइल कंटिन्यू रहा, एग्जांपल के तौर पर लक्ष्मण टेम्पल और सिरपुर छत्तीसगढ़। फिर अगर हम बात करें अर्ली मिडिवियल पीरियड 752 से 1250, तो यहाँ पे जो नगरा स्टाइल है वो अपने टॉप पे पहुँच चुका था और टेम्पल्स अचीव्ड मैसिव एंड स्प्लेंडिड फॉर्म, जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी अपना जो स्टेबल फॉर्म है वो ले चुकी थी और ऑर्नामेंटेशन इंक्रीज हो चुका था उसका डेकोरेशन पहले से। एग्जाम्पल के तौर पर खजुराहो टेम्पल कश्मीर एंड गुजराती स्टाइल इमर्ज होता है, क्लियर है। फिर लेटर वैदिक लेटर मिडिविल एज में आता है 1250 से 1750 के बीच में। यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसका इंपॉर्टेंस कम हो चुका था, क्यों कम हो चुका था पता है, क्योंकि इस्लामिक रूल आ चुका था, एडवेंट ऑफ इस्लामिक रूल गेव बर्थ टू एन इंटायरली डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एक इंटायरली डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हो चुका था, दैट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये थी आपका इवोल्यूशन। अब देखते हैं नगरा स्टाइल में कुछ सब स्कूल निकल के आते हैं, ठीक है, नगरा स्टाइल से ही अलग अलग रीजन के आधार पर कुछ सब स्कूल्स निकल के आते हैं। अब बेस्ड ऑन प्रदक्षिणा पंथ, दैट इज पथ होता है सर्कमेट्री पाथ, जो गर्भगिरी के आपको चारों तरफ होता है, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। तो इसके आधार पर ना तीन भाग में डिवीजन किया गया है, एक संधारा, एक निरंधारा और एक सर्वतोभद्रा। तो संधारा वह आपका सैंक्टम था, वह मंदिर था नगरा स्टाइल में। दे हैव स्क्वायर सैंक्टम होगा, जो गर्भगृह होगा स्क्वायर शेप का होगा, इनक्लोज्ड बाय ए गैलरी ऑफ पिलर्स, और ये घिरा होगा, एक गैलरी ऑफ पिलर्स होंगे बहुत सारे, मिंट फॉर प्रदक्षिणा पंथ, प्रदक्षिणा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि दस दे हैव प्रदक्षिणा पंथ, इसका मतलब जो संधारा सब स्कूल है नगरा स्टाइल का, इसमें आपको प्रदक्षिणा पंथ पथ देखने को मिलेगा,
ठीक है, लेकिन जो निरंधरा है डो नॉट हैव प्रदक्षिणा पथ, इनके पास कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं होगा, याद रखिएगा संधरा में होगा बट निरंधरा में नहीं होगा, क्लियर है। फिर जो तीसरा है आपको सर्वतो भद्रा, अब यहाँ पे क्या है ना, इसमें खास बात यह है, यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, इसमें खास खास बात यह है कि 4 फंक्शनल डोर्स बनाए गए ऑन कार्डिनल डायरेक्शंस, जो 4 डायरेक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है उसमें 4 फंक्शन का डोर बनाया गया है, और एक प्रदक्षिणा पथ यहाँ भी होगा विथ रो ऑफ 12 पिलर्स अराउंड सैंक्टम। तो सैंक्टम के अराउंड क्या 12 पिलर्स का आपका ये होगा रो होगा जिसके अराउंड प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। दीज टेम्पल्स कैन बी एसेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है कि आपको हर तरफ से इस टेम्पल में आपको एंट्री मिल सकता है, ये खासियत बात है। यहाँ भी प्रदक्षिणा पंथ है और दीज टेम्पल्स कैन बी एसेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, ये इसकी खासियत है सर्वतोभद्र की, ठीक है। फिर जो एक स्कूल ऑफ नगरा सब स्कूल है वो आपका है उड़ीसा स्कूल। अब उड़ीसा स्कूल में खासियत बात यह है कि जो एक्सटीरियर वॉल होगा काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको डेकोरेट किया गया होगा इंट्रिकेट कार्विंग से, लेकिन इंटीरियर वॉल को प्लेन रखा गया है, तो वही लिखा हुआ है कि जो एक्सटीरियर वॉल्स है उसको लैविश तरीके से डेकोरेट किया गया, लेकिन जो इंट्रिकेट कार्विंग के साथ उस पर कार्विंग किया गया, स्कल्पचर्स बनाया गया सुंदर सुंदर, लेकिन जो अंदर वाला दीवार था ना उसको प्लेन रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉर्च मतलब क्या होता है बरामदा, तो नो यूज़ ऑफ पिलर्स इन पॉर्च, तो बरामदे में कोई पिलर्स का यूज़ नहीं किया गया उड़ीसा स्कूल में। आयरन गटर्स मतलब जो बीम है आयरन का बीम यूज़ किया गया रूफ़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो शिखर थे वो क्या थे, रेखा द्यूल थे, रेखा आपको पता होगा रेखा द्यूल मतलब क्या हो गया, जो कर्वीलिनियर शेप के होंगे, ठीक है। मंडप इज कॉल्ड जगमोहन इन दिस रीजन, तो उड़ीसा में जो मंडप को जो असेंबली हॉल था डिवोटीज के लिए भक्तों के लिए उसे जगमोहन कहा गया, ठीक है। जो टेम्पल है उसको सराउंड किया गया बाउंड्री वॉल से, ठीक है। ग्राउंड प्लान ऑफ मेन टेम्पल वॉज स्कोर स्क्वायर, जो ग्राउंड आपका प्लान था वो क्या था स्क्वायर शेप में था, ठीक है। इन द अपर रीचेज ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इट बिकम्स सर्कुलर इन ग्रोइंग मस्तक, इन क्राउनिंग मस्तक, जो अपर पार्ट था सुपर स्ट्रक्चर का ये आपका क्या होगा मस्तक में कन्वर्ट होने लगा, जो क्राउनिंग पोर्शन था वो मस्तक इसका नाम कहा जाने लगा। एंड दिस मेक्स द स्पायर नियरली सिलिंड्रिकल इन अपीयरेंस, और धीरे धीरे क्या है आपको ये आपको सिलिंड्रिकल दिखेगा पोर्शन में, ऐसा लगेगा कि ये सिलिंड्रिकल शेप का है। और ये जो टेम्पल्स बनाया गया उड़ीसा में ये आपका बेसिकली बनाया गया एंशियंट कलिंगा रीजन में, और शिखर को उड़ीसा में कहा जाता है देउल्स, जो कि फॉलिंग टाइप का है, देखते हैं देउल्स के बारे में, हालांकि देख चुके ऑलरेडी। एक होता है रेखा देउल, पिढ़ा देउल और खाखरा देउल। रेखा देउल ओडिया मतलब क्या क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पर टॉल बिल्डिंग होगा विद द शेप ऑफ सुगर लोफ, सुगर लोफ आपका इस तरह से कुछ कोनिकल शेप का होगा, ठीक है। लुकिंग लाइक अ शिखर, शिखर जैसे कि लिंगराज टेम्पल हो गया, भुवनेश्वर टेम्पल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका थोड़ा कर्व लीनियर शेप का होगा, इसे कहा गया रेखा देउल। जो पिढ़ देउल क्या होता है स्क्वायर बिल्डिंग होगा, ये आपका देख सकते हैं छोटा सा, ठीक है। विथ पिरामिड शेप्ड रूफ, जो रूफ होगा उसका कुछ इस तरह से पिरामिड शेप का होगा, ठीक है। लाइक जैसे कि विमान में बनते हैं, और इसको कहा गया जगमोहन असेंबली हॉल ऑफ सन टेंपल, ये भी क्या है पिढ़ा देउल का एग्जांपल है। फिर खाखरा देउल, खाखरा देउल की बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होगा विथ ट्रंकेटेड पिरामिड, जो पिरामिड होगा ये आपका इस तरह का होगा ट्रंकेटेड शेप में होगा ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे होगा इस तरह का, यहाँ पे कंबाइंड रूप से मिल चुका है एक टॉप पॉइंट पे एक पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ऊपर में भी कट चुका कटा शेप का होगा, ठीक है। जैसे कि गोपुरम बनता है वैसे। टेम्पल्स डेडिकेटेड टू फीमेल डिटीज आउट ऑफ दिस काइंड, और जो महिलाओं के लिए फीमेल डिटीज देवियों के लिए जो मंदिर बनते हैं वहाँ पे आपको खाखरा देउल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बैतला देउल भुवनेश्वर, जो कि चामुंडा के लिए, ठीक है। तो ये थे आपका उड़ीसा सब स्कूल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट सब स्कूल है आपका सोलंकी मारू गुज्जर स्कूल, ठीक। तो सोलंकी मारू गुज्जर स्कूल की बात करें तो इसके पैट्रोनेस कौन थे, सपोर्टर कौन थे, तो सोलंकी रूलर्स थे जो कि लेटर चालुक्याज थे ये, ठीक है। अगर हम राजस्थान का एंशियंट नेम की बात करें तो उसको कहते हैं मारू देश, ठीक है। और गुजरात का एंशियंट नाम क्या था, एंशियंट नेम का था क्या था, गत गुजरातास, ठीक है। एक डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवेज बनाए गए यहाँ पे, तो सोलंकी जो सब स्कूल था वहाँ पे जो आर्च्ड गेटवे था गेट था वो काफ़ी उसको डेकोरेटिव बनाया गया, ठीक है। और जो गर्भगृह है ना इसको कनेक्ट कर दिया गया मंडप से, इंटरनली अंदर से भी और बाहर से भी दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। वॉल्स ऑफ सेंट्रल श्राइन, जो सेंट्रल श्राइन आपके जो सेंट्रल देवता के जो भगवान के श्राइन होगा मूर्ति होगा
डिवाइड ऑफ कार्विंग्स, वहां पे कार्विंग नहीं की गई, ठीक है। एक यूनिक फीचर यहाँ पे प्रेजेंट था ऑफ ए स्टेप टैंक नोन एज सूर्य कुंड। एक स्टेप टैंक था, जिसमें स्टेप्स बने हुए थे, उसे कहा गया सूर्य कुंड। और द स्टेप्स ऑफ टैंक आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स विथ वुडन कार्विंग। और जो टैंक के स्टेप्स थे उस पर क्या है कि स्मॉल टेम्पल्स के कार्विंग किया गया था, वुडन कार्विंग किया गया था उस पर, ठीक है। और मोस्टली जो मंदिर आपको बना है वो सैंड स्टोन, ब्लैक बसाल्ट और सॉफ्ट मार्बल का यूज़ किया गया, ठीक है। और ये मंदिर आपको ईस्ट फेसिंग मिला और डिज़ाइन एज सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस, जब इक्विनॉक्स होते हैं द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन टू सेंट्रल श्राइन। जो इक्विनॉक्स होगा आपको पता होगा, दो इक्विनॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो सन रेज होगा डायरेक्टली फॉल करेगी सेंट्रल श्राइन पे। एग्जाम्पल के तौर पर मोधेरा सन टेम्पल, बरौली टेम्पल एंड बटेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो ये कहानी थी सोलंकी स्कूल की। अब एक खजुराहो स्कूल, ये आपको बना किस रूलर ने बनवाया, पहला सवाल तो ये बनवाया चंदेला रूलर्स ने। किसने? चंदेला रूलर्स ने बनवाया। और यहाँ पे चाहे अंदर का दीवार हो या बाहर का दीवार हो, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लाविश तरीके से डेकोरेट किया गया कार्विंग से, ठीक है। और जो स्कल्पचर्स बनाया गया वो थोड़ा सा इरोटिक था, वो लिया गया आपको वत्स्यान का कामसूत्र से उठाया गया है, ठीक है। और जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया वो सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ। डायरेक्शन की बात करें खजुराहो स्कूल में, तो जनरली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग था। कौन सा फेसिंग? नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग था। और जो फॉलो किया गया पंचायतन स्टाइल फॉलो किया गया, ठीक है। इवन द सब्सिडरी श्राइन, जो सब्सिडरी श्राइन थे, मतलब एक मेन डिटी हो गया, बाकी जो चार आपको ये होंगे छोटे मंदिर होंगे, उनके ऊपर भी क्या होगा, रेखा प्रसाद शिखर, रेखा प्रसाद शिखर होगा, क्रिएटिंग एन इंप्रेशन ऑफ माउंटेन रेंज। ऐसा लगा है कि माउंटेन का रेंज है, क्योंकि सबके ऊपर क्या होगा, एक इस तरह से रेखा प्रसाद आपका शिखर देखने को मिलेगा, ठीक है। हिंदू टेम्पल की बात करें तो कंदरिया महादेव, लक्ष्मण, 64 योगिनी आपको एग्जाम्पल के रूप में। जैन टेम्पल बात करें तो पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल और घंटल टेम्पल, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गया। लक्ष्मण टेम्पल आपको, ये आपको डेडिकेटेड है किसके लिए, विष्णु, भगवान विष्णु के लिए। और ये कंप्लीट किया गया कब, 1954 में, किसके द्वारा, चंडेला किंग यशोवर्मन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण टेम्पल, नाम लक्ष्मण है लेकिन भगवान विष्णु के लिए, कंप्लीट कराया गया 954 CE में चंदेला किंग यशोवर्मन के द्वारा। और प्लेस्ड ऑन हाई प्लेटफॉर्म असेस्ड बाई स्टेयर्स, तो प्लेटफॉर्म इसका काफ़ी ऊँचा रखा गया और सीढ़ियाँ लगाई गई इसको उस पर जाने के लिए। और इस पर क्या है, अर्थ मंडप भी है पोर्च में। अर्थ मंडप हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है, मंडप है, असेंबली हॉल है पोर्च में, बरामदा में। फिर एक महामंडप भी है, गर्भगृह है और विमाना बना हुआ है। तो ये इसका फीचर हो गया लक्ष्मण टेम्पल का। यहाँ पे पंचायतन स्टाइल है, सब्सिडरी श्राइन अगर बात करें क्या है तो 3 आर ऑफ विष्णु, एक तो लॉर्ड विष्णु के हैं, फिर 3 और विष्णु के हैं, और फोर्थ क्या है, सूर्य भगवान की मंदिर है, ठीक है। 4 स्मॉलर टेम्पल्स इन दिस कॉर्नर, कॉर्नर पर क्या है, 4 स्मॉलर टेम्पल्स है। एंड ऑल टावर्स और शिखर्स राइज हाई अपवर्ड इन कर्व्ड पिरामिडल फैशन। और जितना भी चारों के ऊपर टेम्पल है ना, टावर्स बने हैं, वो ऊपर राइज करेंगे शिखर के ऊपर इन ए कर्व्ड पिरामिडल फैशन में, ठीक है। जो आउटर वॉल ऑफ गर्व के एंड आउटर एंड इनर वॉल्स ऑफ प्रदक्षिणापथ आर डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर, ठीक है। तो आपको स्कल्पचर से डेकोरेट मिलेगा, जो गर्व के एक आउटर वॉल है या प्रदक्षिणापथ का बाहरी और भीतरी दीवार, वो सब क्या है, उसमें बाकायदा कलाकृतियाँ रचाई गई है, उसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। टेम्पल्स हैज प्रोजेक्टिंग बालकोनीज एंड बरांडास, जो टेम्पल है उस पर प्रोजेक्शन किया गया है, बालकोनीज, उस पर बालकोनीज बनाई गई है, बरांडास आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका लक्ष्मण टेम्पल हो गया। फिर है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव टेम्पल है, ये भी लॉर्ड शिवा के लिए है, लॉर्ड शिवा के लिए है। और ये बनाया गया था 999 ईस्वी में किंग धंगदेव ऑफ चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेला वंश के धंगदेव रूलर थे, राजा थे, जिन्होंने बनवाया, ठीक है। और नोन फॉर एग्जॉटिक इरोटिक स्कल्पचर, तो यहाँ भी काफ़ी इरोटिक स्कल्पचर था, ठीक है। बहुत सारे जो मेरी टेम्पल फीचर्स थे, जैसे कि फीचर्स मिथुन स्कल्पचर। मिथुन स्कल्पचर क्या होता है, एम्ब्रेसिंग कपल्स, तो कपल को एम्ब्रेस किया गया है, कपल को लेकर बनाया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्कल्पचर है वो काफ़ी हाईली स्टाइलिश बनाया गया था, पूरे रिलीफ में कट अवे फ्रॉम सराउंडिंग स्टोन काट काट के, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। जो उसको शार्प नोजेस थे, प्रोमिनेंट चेन्स, लॉन्ग स्लैंटिंग आईज, आईब्रोज, तो ये सब कुछ इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। अगर बात करें 64 योगिनी टेम्पल की, तो ये आपका जैन टेम्पल है जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है। और ये आपको टेम्पल ऑफ स्मॉल
स्क्वायर श्राइन ऑफ रफली ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है, ठीक है। और जो हर श्राइन है वो किसी देवी या देवता देवी या देवी से मतलब डेडिकेटेड है, ठीक है, जो एसोसिएटेड विथ राइज ऑफ तांत्रिक वर्शिप, जो तांत्रिक वर्शिप से राइज होके आई थी, ठीक है। सेवरल सच टेम्पल्स ऑल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं एक और स्टाइल है अहोम स्टाइल। अगर बात करें अहोम स्टाइल तो ये कब, देखिए हुआ क्या है कि 10th सेंचुरी तक जो गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर था वो कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। लेकिन 12th टू 14th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, कुछ रीजनल स्टाइल भी डेवलप होते हैं, कुछ रीजनल स्टाइल भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। अब अपर बर्मा क्षेत्र से ताइज एक कम्युनिटी है वहाँ की, ठीक है, वो आती है और जो डोमिनेंट पाला स्टाइल था उससे मिल जाती है, तो दोनों का मिक्सचर बनता है और बनता है अहोम स्टाइल। क्या बनता है, अहोम स्टाइल बनता है, ठीक है। जैसे कि कामाख्या जो मंदिर है वो इसी से बना हुआ है, जो कि नीलांचल हिल्स पे है गुवाहाटी में। ये बेसिकली क्या, एक शक्ति पीठ है देवी कामाख्या के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आइडल नहीं है, यहाँ पे योनि की पूजा हो की जाती है, ठीक है। और ये बनाया गया था आपको 17th सेंचुरी CE में बाई कोच किंग नर नारायण के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और है शिव सागर टेम्पल, हिंदू टेम्पल ऑफ शिवा डोल, विष्णु डोल एंड देवी डोल, जो कि अपर आसाम में है। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स हैं जो ध्यान में रखना है। अगर बात करें पालाज और सेना स्टाइल की, तो ये आपका डोमिनेट किया गया पालाज रूलर्स के द्वारा 9th एंड 11th सेंचुरी में, और उसके बाद सेना किंग्स आए 11th टू मिड 13th सेंचुरी में, साउदर्न बिहार बंगाल में इसको बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे इसे कहा गया आर नोन टू एक्सप्रेस लोकल वंगा स्टाइल, तो कौन सा स्टाइल, वंगा स्टाइल में बनाया गया बुद्धिस्ट टेम्पल। यहाँ पे ब्लैक टू ग्रे बसाल्ट का यूज किया गया मटेरियल के रूप में और क्लोराइट स्टोन का यूज किया गया, ठीक है। जो लोकल वर्नाकुलर बिल्डिंग ट्रेडिशन था ये इमर्ज हुआ विथ कर्विंग और स्लोपिंग साइड, साइड क्या था, कर्विंग का कर्व बनाया गया स्लोपिंग साइड का, ऑफ बंबू रूफ ऑफ ए बंगाली हट, दैट इज बांग्ला रूफ भी कहा गया इसको, ठीक है। तो ये था पाला सेना स्टाइल। एक फिर नॉर्दर्न हिल्स पे एक्चुअली एक अलग तरह का था यूनिक आर्किटेक्चुरल स्टाइल डेवलप हुआ कुमायूं की पहाड़ियों पे, कुमायूं गढ़वाल हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों पे। अब कश्मीर है जैसे कि वो पास था आपका गंधार वाले क्षेत्र से, तो वहाँ पे गंधार का भी इन्फ्लुएंस आया और वो मिक्स हुआ गुप्ता पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन से। तो हिल के पास क्या हो गया, अपना ट्रेडिशन डेवलप हो गया, वुडन बिल्डिंग्स का था ही, उसके ऊपर रूफ पे पिचिंग की गई। तो कभी कभार क्या हो गया, जो मेन गर्भगृह था और शिखर इसको बनाया गया लेटिना स्टाइल में, रेखा प्रसाद स्टाइल में बनाया गया। जो मंडप इज ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, जो मंडप था आपको पुराना फॉर्म जो था वुडन आर्किटेक्चर का उस फॉर्म में बनाया गया। और कभी कभी टेम्पल इटसेल्फ टेक्स पगोरा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको पता होगा बुद्धिस्ट में आपने पगोराज के बारे में था, ठीक है। टेम्पल्स इन पंडरेथन कश्मीर बाई करकोटा डायनेस्टी, तो कश्मीर में बनाया गया टेम्पल्स इन पंडरेथन किसके द्वारा, करकोटा डायनेस्टी के द्वारा। तो ये थी आपकी इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, उसका क्या डिफरेंट बेसिक ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर इवोल्यूशन पढ़ा नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या साउथ इंडिया में कैसे इवोल्यूशन होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, और उसके बाद साउथ इंडिया के बाद आपका क्या है डेक्कन वाले क्षेत्र में, ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।